अमेरिकी राज्य मिसौरी के कंसास शहर के एक रेस्तरां में संदिग्ध लूटपाट के दौरान एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 साल का शरद कोपू तेलंगाना का रहने वाला था और मिसौरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। जिस रेस्तरां में संदिग्ध लूटपाट के दौरान उसकी हत्या हुई है, वहां पर शरद पार्ट टाइम जॉब करता था। शुक्रवार की शाम जेश फिश एंड चिकन मार्केट में शाम करीब 7 बजे शरद को गोली मारी गई। कंसास पुलिस ने रेस्तरां में हुई इस वारदात से कुछ मिनट पहले एक संदिग्ध का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक शख्स सफ़ेद और भूरे स्ट्रिप वाली टी शर्ट, ट्राउज़र और वाइट शूज पहने दिख रहा है। पुलिस ने घुंघराले बाल वाले इस संदिग्ध को पहचानने की अपील की है और सूचना देने वाले को $10,000 इनाम देने की घोषणा भी की है। रेस्तरां में मौजूद एक कर्मचारी ने लोकल अखबार कैंसेसा सिटी स्टार को बताया कि संदिग्ध ने भूरे रंग की शर्ट पहन रखी थी जिस पर सफ़ेद रंग की पट्टियां थीं। उसने पैसे मांगे और गोली चला दी। इस दौरान लोग खुद को बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। कोपू भी भागा तो संदिग्ध ने उसकी पीठ पर गोली मार दी। गौरतलब है कि शरद कोपू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने इसी साल जनवरी में ही अमेरिका गया था।